गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मोशन. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इज रेस्ट एंड मोशन. ठीक है, सो इससे पहले आप लोगों ने कई डेफिनेशंस पढ़ी होंगी रेस्ट एंड मोशन की. और जैसा कि मैं रेस्ट की बात करूँ तो यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट रेस्ट, दैट एनीथिंग विच डज नॉट मूव्स इज सेड टू बी एट रेस्ट. सो द डेफिनेशन रिमेन्स सेम, बट देर इज अ स्लाइट चेंज इन द डेफिनेशन. ओके, नाउ सी, a body is said to be at rest if it does not change its position with reference to a fixed point. Got it? Now see, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा था कि the body is not moving, but थोड़ा सा चेंज मैंने क्या लाया है यहाँ पे, the body is not moving with respect to a fixed position. मतलब किसी fixed position के reference में मूव नहीं कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सिटिंग एट अ प्लेस, देन दैट प्लेस बिकम्स योर रेफरेंस पॉइंट. और अगर आप वहाँ से मूव करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है दैट पॉइंट विल बी टेकन एट रेफरेंस पॉइंट. आप वहाँ से मूव करोगे तो उस पॉइंट से आपका डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, कब हो सकता है बढ़ता जाए, कम होता जाए. कट इट. सो दैट इज नोन एज द रेफरेंस पॉइंट. इज इट क्लियर? नाउ लेट अस कम टू मोशन. नाउ व्हाट इज मोशन? A body is said to be in motion if it changes its position with reference to a fixed point. Okay, now if a body is changing its position, then it is said to be in motion and with respect to the fixed point. Rest mein kya tha? The body is not changing its position, and in motion the body keeps on changing its position. So this is the basic difference between rest and motion. एक में किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में पोजीशन चेंज होती रहती है, और एक में पोजीशन चेंज नहीं होती है. ठीक है, सो नाउ बिफोर वी डिस्कस ऑल द रिमेनिंग टर्म्स अबाउट दिस चैप्टर, लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ क्वांटिटीज. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? So the quantities, vector quantities are the quantities which needs both direction and magnitude to be expressed. Got it? So what we'll do, the physical quantities, which are defined both by its magnitude and direction. ठीक है, so vector count basically this definition says that vector quantities are those quantities which have both magnitude and direction. उनका magnitude भी होता है और उनकी direction भी होती है. Now what is this magnitude? Magnitude means the measure, कितना, and direction in which direction. Okay? So some examples of vector quantities are displacement,
वेलोसिटी एक्सेट्रा. ओके नाउ लेट अस कम टू स्केलर क्वांटिटीज. नाउ व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? The quantities, the physical quantities, physical quantities which are defined by वेदर मैग्नीट्यूड ओनली एंड डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन. ओके सो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली एंड दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन. इनको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन हो जाते हैं. एग्जाम्पल डिस्टेंस और स्पीड. गॉट इट? सो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी दीज आर योर वेक्टर क्वांटिटीज एंड डिस्टेंस एंड स्पीड आर योर स्केलर क्वांटिटीज एक्सेट्रा. दे आर जस्ट टू एग्जाम्पल्स, मोर ऑफ देम आर देयर. सो वेक्टर क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है. ओके नाउ लेट अस कम टू द रिमेनिंग टर्म्स. नाउ द फर्स्ट टर्म वील डिस्कस अबाउट इज डिस्टेंस. नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज एक्चुअल पाथ traversed, actual path traversed or actual path traced between two points. Okay, and which kind of quantity it is? It is a scalar quantity. इट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन. अभी इससे पहले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि डायरेक्शन डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. एंड वॉट इज द SI यूनिट? सिंस इट इज अ लेंथ, देयरफॉर द SI यूनिट इज मीटर. ओके नाउ लेट अस डिस्कस डिस्प्लेसमेंट. वॉट इज डिस्प्लेसमेंट? आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल विद अ डायग्राम. फर्स्ट लेट अस डिस्कस द डेफिनेशंस फर्स्ट. इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ traveled between two points in a particular direction. Okay, now see, in distance it was simply the path traveled and in displacement it is the shortest distance and that too in a particular direction. Which kind of quantity? It is a vector quantity. Okay, now see, since it also measures length basically, so its SI unit will be what? SI unit will be same as the SI unit of distance, that is meter. Both of them are length, lengths are measured in meter. Okay, now see, we if we take an example, if this is a point A and this is the point B. For example, just imagine this is your home and this is your school, and there the road comes like this to your school in this way. Now see, if we talk about the distance, what will be the distance we have to measure in this way? This is the distance traveled, the actual path traveled.
जहाँ पर अभी टर्न लिया है वो भी मेजर करना है, जैसे भी आ रहे हैं सब कुछ मेजर करना है, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस बेसिकली। एंड इफ यू टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, दिस दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसको और एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं, दिस इज योर होम एंड दिस इज योर स्कूल, कहाँ गया स्कूल। एंड नाउ इफ इट इज समथिंग लाइक दैट, if you move in this direction and then like this, and let this point be P. So what is the distance traveled? इसको मान लेते हैं it is 5, इसको मान लेते हैं 12. So the distance will be equals to HP plus PS, the actual path traveled, which will be 12, 5 plus 12, that means 17 meter. But if we talk about the displacement, so it is always the shortest distance between any two points. So, यहाँ पर right angle triangle बन रहा है, और अगर यहाँ पर Pythagoras theorem लगाकर इसको calculate करेंगे, so we'll get the length 13 meter. Now, what is the displacement? It is 13 meters, ठीक है। और अगर इसको directions के हिसाब से break कर लें, so this is east, west, north, south, so which direction is it, इस direction में move कर रहे हैं, this is southeast, okay, so 13 meters southeast, okay, so this is what we have to do, this is the displacement, magnitude as well as direction, डिस्टेंस ओनली द मैग्नीट्यूड इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, जिधर भी मूव कर रहा हो टोटल पाथ में कैलकुलेट कर लेना, बट डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करना है, और शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का, हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होता है और हमेशा स्ट्रेट लाइन, कहीं भी आपको मूव करना, अगर सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना तो ऑलवेज ट्राई टू टेक दैट पाथ विच इज़ द स्ट्रेटर वन, सीधा सीधा जितना जाएंगे आप दैट विल बी शॉर्टर, ओके। Now one thing more, similarly, if we talk about distance and displacement, in this case, let us take one more example. If a body is moving like this, for example, this is a point A. If a body moves, for example, in a square path, goes to B, then to C, then goes to D, and then comes back to A. Body starts from here, moves here, and come here. And let the distance at each side be 4 meter. In this case, if we want to calculate the distance, what will be the distance? Distance traveled in each direction, 4 plus 4 plus 4 plus 4. That is 4 for the 16 meter. But what will be the displacement? Now see, what is the distance between the initial and the final position? The body started from the point A, then it went to B, then to C, then to D, and back to A. So the initial and final position of the bodies are same. That means, what is the distance between the initial and the final position? None. That means zero. So simply it means, if a body returns to its starting point, then always the displacement is zero. For example, we can take example of a circular path also. In a circular path also, the displacement is always zero. If a body completes one cycle, if a body starts from here and again comes back to the same point, then the distance traveled will be there. There will be the magnitude of distance traveled, but the displacement will always be zero because the body is coming back to its initial point again. Displacement over here is zero, and distance will be, in a circular path, what will be the distance? It will be 2 pi r, circumference of the circle. Jitna circumference, utna distance travel karega. But in displacement, the body is coming back to the same position again. So the displacement becomes zero, okay? And one thing more, if a body is for example, if a body is at point A, it starts moving, it goes to point B, and then it comes back, first is moves to point B, and then it comes back to the point C. Now see what happens over here. The body is moving in the forward direction. अब यहाँ से अगर देख ले तो मान लेते हैं ये 2 meter है और ये
3 मीटर है। तो देख, दो केस हो गए। अगर बॉडी ए से बी की तरफ मूव कर रहा है और ए और बी के यहाँ के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा, इट विल बी 5 मीटर। ओके, देन इफ वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बी एंड सी, सो इट विल बी -3 मीटर। वाई? बिकॉज फर्स्ट द बॉडी वॉज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड देन इट कम्स बैक। इफ द बॉडी स्टार्ट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, इट मूव सम डिस्टेंस एंड देन इट इज कमिंग बैक। इफ द बॉडी स्टार्ट मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन देन द डिस्प्लेसमेंट बिकम्स नेगेटिव। ओके, बट द डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ सी वॉट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर हेयर। डिस्टेंस विल बी फर्स्ट इट गोज फ्रॉम ए टू बी, दैट मीन्स 2 + 3 5 मीटर एंड देन इट कम्स बैक टू सी, दैट मीन्स 5 + 3 दैट इज 8 मीटर्स। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट द डिस्प्लेसमेंट बिकम्स नेगेटिव। बट इफ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड सी, अब ए और सी के बीच की बात करें तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना, बॉडी ने ए से स्टार्ट किया बी पर गई या फिर वापस सी पर आ गई, तो नाउ विल टेक ओनली दीज 2 पॉइंट्स। सो व्हाट विल द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, 2 मीटर। ओके, सो व्हाट डू वी कंक्लूड, देर आर टू थिंग्स दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू। सो द फर्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। नाउ सी ओवर हियर, इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट वाज पॉजिटिव देन इट वाज नेगेटिव एंड इन द अबव केस द डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर वाज जीरो। सो फॉर डिस्प्लेसमेंट द वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, बट इन केस ऑफ डिस्टेंस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो ऑल्सो। ठीक है, नोट दिस डाउन ऑल्सो दैट Distance can never be zero. And from these points, if we conclude something, then we can say one thing more about these distance and displacement. The distance is always greater than or equal to displacement. ओके, डिस्प्लेसमेंट सिंस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो हो सकता है उसके बराबर हो सकता है उसके इक्वल हो। ठीक है, अच्छा, मैनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग अगर कोई बॉडी मूव ही ना करे तो डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा। सो हाउ कैन आई से दैट द डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। सो यहाँ पहली कंडीशन जो हमें फॉलो करनी है वो ये है कि द बॉडी शुड मूव आफ्टर मूविंग। अगर बॉडी मूव कर रही है उसके बाद डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है बट डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता मूव करने के बाद। मूव करने के बाद डिस्प्लेसमेंट जरूर जीरो हो सकता है, जैसा कि आप लोगों ने सर्कुलर स्क्वायर के केस में एग्जांपल देखा था। ओके, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। नो स्पीड, व्हाट इज स्पीड, सो इट इज द डिस्टेंस traveled per unit time। Okay, और अगर इसको हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से लिखें, सो व्हाट विल बी स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का मतलब होता है अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो इट कैन बी रिटन एज डिस्टेंस अपॉन टाइम इन दिस फॉर्म। क्लियर,
नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? अब देखिए मैं एसआई यूनिट निकालना बता देता हूँ, अभी पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या होता है। द एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। अब एसआई यूनिट कैलकुलेट करना बता देता हूँ मैं। अगला से देखिए, फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जिसकी भी एसआई यूनिट निकालनी हो, हमेशा जो उस फॉर्मूले में जो जो टर्म्स आ रहे हैं उनके एसआई यूनिट पुट कर दिया। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? इट इज मीटर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? इट इज सेकंड। सो द यूनिट बिकम्स मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? नाउ द सेकंड थिंग, विच काइंड ऑफ क्वांटिटी इट इज? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वी डू नॉट नीड डायरेक्शन। ठीक है, वी डू नॉट नीड डायरेक्शन इन स्पीड। इसको सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से बता देते हैं। द बॉडी इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसा भी कुछ बता देते हैं, बट ये नहीं बताना होता किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हमें पड़ती है, द डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, नाउ लेट अस कम टू वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्या होता है? इट इज सेम एज स्पीड, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, बस वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क आया हमारा? अगर हम लोग को वेलोसिटी लेना है, सो द बॉडी शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके चलते हैं, और वहीं पे स्पीड में बॉडी अगर टर्न ले रही है, जैसे हम लोग नॉर्मली जो फॉर एग्जांपल अगर बाइक का एग्जांपल ले लें, बाइक पर जो स्पीड दिखाता है, सो दैट इज स्पीड, दैट इज नॉट द वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग जनरली टर्न लेते रहते हैं, इधर मुड़ते हैं उधर मुड़ते हैं। बट इन केस ऑफ वेलोसिटी, अगर हम लोग सीधा सीधा मूव करें, तो उस समय जो उसकी स्पीड होगी दैट विल बिकम इट्स वेलोसिटी, क्योंकि इन दैट केस द बॉडी इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करती चली जा रही है, सो दैट बिकम्स द वेलोसिटी। सिमिलरली अगर इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे, तो देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फॉर्मूला बिल्कुल वही है, बट यहाँ पर हम लोग को क्या लेना होता है? डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लेना होता है, इस वजह से इट बिकम्स वेलोसिटी, और इट कैन बी रिटन एज वी इक्वल्स टू डी अपॉन टी। क्लियर? एसआई यूनिट विल रिमेन सेम, क्योंकि देख लो, देख लीजिए आप लोग, द क्वांटिटीज आर सेम। ऊपर क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है, नीचे क्या है? टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट इज मीटर, टाइम की एसआई यूनिट इज सेकेंड्स। ठीक है, नाउ वी शुड नोट इट डाउन। एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, एंड विच काइंड ऑफ क्वांटिटी इट इज? इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ता है? डायरेक्शन के बारे में बताना पड़ता है कि विच डायरेक्शन इज इट मूविंग, एंड द डायरेक्शन शुड बी स्ट्रेट। ठीक है, इन वन डायरेक्शन द बॉडी शुड मूव। इफ इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, दैट मीन्स द बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल चेंज। हाँ, एंड रिमेंबर वन थिंग, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज करने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि उसकी स्पीड चेंज करी जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो, वेलोसिटी में क्या होगा? स्पीड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। स्पीड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। बट अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि बॉडी जिस स्पीड से मूव कर रही है उसको चेंज किया जाए। बॉडी जितनी स्पीड से मूव कर रही हो उतने से ही मूव करने दें। अगर उसके डायरेक्शन में भी चेंज लाते हैं, देन टू द वेलोसिटी सेट टू बी चेंज्ड। ओके, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन कंटिन्यूसली, देन टू द वेलोसिटी सेट टू बी चेंजिंग। क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस सम अदर पॉइंट्स, दैट इज फर्स्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? नाउ इफ अ बॉडी कवर्स equal distances in
equal intervals of time. In a particular direction. Okay. So then body is said to be moving with uniform velocity. Now let me explain it with the other times. For example, if a body is at a point A, यहाँ से body move कर रही है, मान लेते हैं it moves to point B, and पहले इसने यहाँ से हर एक point का distance ले लेते हैं, मान लेते हैं this is 10 meters, 10 meters, 10 meters, and 10 meters, और हर 10 meter it is traveling in 2 seconds. ठीक है, हर 10 मीटर दो दो सेकंड में ट्रैवल कर रहा है. दैट मींस देखो, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. हर 2 सेकंड में हाउ मच डिस्टेंस इट इज ट्रैवलिंग, इट इज ट्रैवलिंग 10 मीटर्स इन एवरी 2 सेकंड्स. और अगर यहाँ पे कहीं से भी किसी भी जगह से, फॉर एग्जाम्पल इसके बीच की वेलोसिटी निकाले, इसके बीच की वेलोसिटी निकाले, या यहाँ से लेकर यहाँ तक के, या किसी एक पॉइंट से लेकर किसी भी दूसरे पॉइंट तक के निकाल लें, वेलोसिटी विल ऑलवेज बी 5 मीटर पर सेकंड. यहाँ से कैलकुलेट करके देख लीजिए, डिस्टेंस कितना है 10 मीटर है, टाइम कितना है 2 सेकंड्स. दैट मीन्स 10 अपॉन 2 बिकम्स 5 मीटर पर सेकंड. यहाँ पे निकालेंगे देन 2 इट बिकम्स 5.2, दैट इज 5 मीटर पर 10 अपॉन 2 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड. अगर यहाँ से लेके इस पॉइंट तक निकालते हैं, नाउ सी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 30 मीटर्स, टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकंड्स. तो 30 अपॉन 6 बिकम्स अगेन 5 मीटर पर सेकंड. नाउ सी द बॉडी इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एवरीवेयर. इज इट क्लियर? इन दिस केस द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. क्लियर? नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नाउ अब इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या चेंज आ जाएगा? नाउ सी अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग, विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it covers unequal distances in equal intervals of टाइम. नाउ मैनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि वहाँ पे तो सन ने अनइक्वल डिस्टेंस कराए, ये इंटरवल्स भी अनइक्वल होने चाहिए. अगर हम लोग टाइम इंटरवल्स को भी अनइक्वल कर देंगे देन वी विल नॉट बी एबल टू कंपेयर. जैसे यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम इंटरवल इक्वल है और हर इक्वल इंटरवल में वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है. इसीलिए वी ऑलवेज टेक द टाइम इंटरवल टू बी इक्वल. अब यहाँ का अगर एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और यहाँ से यहाँ के बीच कर देखें, एक दो तीन चार ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल. यहाँ पर मान लेते हैं 10 मीटर ट्रैवल किया 2 सेकंड में, यहाँ मान लेते हैं 8 मीटर ट्रैवल किया 2 सेकंड में, यहाँ मान लेते हैं 12 मीटर ट्रैवल किया 2 सेकंड में. ठीक है, एंड हेयर इट ट्रेवल्स 6 मीटर इन 2 सेकंड्स, एंड हेयर इट ट्रेवल्स 3 मीटर्स इन 2 सेकंड्स. नाउ सी एट एवरी प्लेस, एट एवरी पोजिशन द टाइम इंटरवल्स आर इक्वल बट द डिस्टेंस इट इज ट्रेवलिंग इज डिफरेंट. सो अगर यहाँ के वेलोसिटी निकालेंगे इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ के वेलोसिटी निकालेंगे 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से निकालेंगे तो 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से निकालेंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से निकालेंगे तो 1.5 मीटर पर सेकेंड. और कहीं भी किसी भी दो पॉइंट के बीच का निकाल के देख लेंगे तो ऑलवेज द वेलोसिटी कीप्स ऑन
चेंजिंग, इसीलिए दिस काइंड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आप इसको समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रास्ते में मूव कर रहे हैं बाइक से, एक सीधे सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, बट ब्रेक लगानी पड़ती है, कभी एक्सीलेटर लेते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। इन दिस केस वी कैन से द बॉडी इज मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जहाँ पर स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती रहे बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, द बॉडी शुड मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, और वन थिंग मोर, अगर यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर बॉडी का मैग्नीट्यूड ना चेंज हो फिर भी बॉडी कैन बी नॉन यूनिफॉर्म। अगर बॉडी एक ही डायरेक्शन, बॉडी सेम स्पीड से मूव करती रहती है बट इट इज़ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, लगातार डायरेक्शन चेंज कर रही है, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द बॉडी विल बी नॉन यूनिफॉर्म, द बॉडी विल बी मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इन अ सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करती है, वहाँ पर जब बॉडी ट्रेवल करेगी, अगर सेम स्पीड से मूव कर रही है फिर भी एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग। क्लियर? नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड। इट इज इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो स्पीड ऑफ वेलोसिटी का डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया था, देयर इज सिंपल डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ से जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वही यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, बस यहाँ पर क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी डायरेक्शन वॉज ऑल्सो नीडेड, स्पीड के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत है। अब बॉडी किसी एक डायरेक्शन में मूव करे या चाहे जैसे मूव करे, लेकिन अगर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहे हैं जैसा कि यहाँ पर आ रहा है, अगर मैग्नीट्यूड रिमेन सेम दैट मीन्स द बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बट अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता जैसा कि ऐसे होगा, देन इट विल बिकम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा, इट विल बी इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर? अब यहां पर क्या है, अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करने हैं बट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, और यूनिफॉर्म स्पीड में क्या था, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पर डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन से पूरा लेना देना होता है, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो भी वी से द वेलोसिटी इज चेंजिंग। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सीलरेशन। नाउ व्हाट इज एक्सीलरेशन, पढ़ा होगा मैं भी इससे पहले आप लोगों ने, सो लेट मी टेल यू, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट, नाउ रिमेंबर वन थिंग, कहीं पे भी ये वर्ड रेट आए स्पेशली इन फिजिक्स, तो दिस रेट मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। गॉट इट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और अगर इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो इट विल बी, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, चेंज इज डिनोटेड बाय डेल्टा, यू नो डेल्टा, दिस सिंबल इज नोन एज डेल्टा एंड चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट मीन्स अपॉन टाइम एंड चेंज इन वेलोसिटी ये रहा। सो अगर इसको और थोड़ा फॉर्मुलेट करें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टाइम, हियर ए इज द एक्सेलरेशन, वी इज द फाइनल वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम टेकन। इज इट क्लियर? अभी एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, 2 सेकंड बाद अगर उसकी स्पीड हो जाती है 15 मीटर पर सेकंड, सो कितना चेंज आया,
10 से 15 हो गई स्पीड, दैट मींस 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, और कितनी देर में चेंज आया, 2 सेकंड्स में। सो यहाँ से देखें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इट वॉज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, और अब कितनी वेलोसिटी से मूव करने लगी है, इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 माइनस 10 और टाइम कितना लगा था 2, 10 से 15 पहुंचने में कितना टाइम लगा था 2 सेकंड्स, तो यहाँ से 5 अपॉन 2 आएगा, दैट मीन्स 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वॉट इज द SI यूनिट, अब यहाँ के हिसाब से देखें SI यूनिट, अगर हम लोग यहाँ पर कॉर्नर में कैलकुलेट कर ले, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डेल्टा वी, डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली द यूनिट विल रिमेन सेम, देयर विल, तो इट इज मीटर पर सेकेंड, एंड वॉट इज द SI यूनिट ऑफ टाइम, इट इज सेकेंड, नीचे ही आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी टाइम, सो यहाँ से यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको और कैसे लिखते हैं, मीटर सेकेंड ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, आपको ऐसे लिखना अच्छा लगता हो तो ऐसे लिखिए, और इफ़ यू लाइक टू राइट लाइक दिस यू कैन राइट इट लाइक दिस। ओके नाउ फर्दर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, इट इज बेसिकली द चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ के हिसाब से व्हाट विल बी द डेफिनेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी changes in equal amounts in equal intervals of time, ठीक है, that means अगर velocity equally change हो रही हो, then the body is said to be moving with uniform acceleration, उसमें acceleration कैसा हो रहा हो, then body is said to be undergoing uniform acceleration. Now see, let us take the example. फॉर एग्जाम्पल अ बॉडी मूव्स फ्रॉम हेयर, अभी मूव कर रही है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड के बाद इट्स स्पीड बिकम्स 8 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले 2 सेकेंड के बाद इट्स स्पीड बिकम्स 11 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 सेकेंड बाद इट्स स्पीड बिकम्स 14 मीटर पर सेकेंड। ओके नाउ सी, जरा ध्यान से देखें, यहां से यहां इट वॉज 5, पहले 5 की स्पीड से मूव कर रही थी, अगले 2 सेकेंड में कितनी हो गई स्पीड, इट बिकम्स 8 मीटर पर सेकेंड, कितना चेंज आया, 3 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, फिर अगले 2 सेकंड में व्हाट इज द स्पीड, इट बिकम्स 11 मीटर पर सेकंड, फिर कितना चेंज आया, 3 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 2 सेकंड में कितना चेंज आया, फिर 14 हो गया, दैट मींस 3 मीटर पर सेकंड। तो इफ यू सी एट एवरी प्लेस द चेंज इन द वेलोसिटी सेम सेम अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ रही है एंड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन सच अ केस द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सिलेशन, इज इट क्लियर, अगर इक्वल अमाउंट्स में वेलोसिटी चेंज हो रही हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, देन द बॉडी इज सेट टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सिलेशन, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज का होनी जरूरी है, देख लीजिए अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा दैट मीन्स द एक्सिलेशन विल बी जीरो। ओके नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट मींस इफ इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, इफ द वेलोसिटी
ऑफ अ बॉडी चेंजेस इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देन बॉडी अंडरगोज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, फिर सेम केस ले लेते हैं। इसे मूव किया, पहले बॉडी 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रही थी, 2 सेकंड बिताए सो स्पीड बिकम्स मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड बिताए एंड द स्पीड बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड बाद द स्पीड बिकम्स 15 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान से देखिए, पहले 2 सेकंड के बाद व्हाट इज़ द चेंज, 3 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। फिर अगले 2 सेकंड के बाद व्हाट इज द चेंज, इट इज 2 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 2 सेकंड के बाद व्हाट इज द चेंज, इट इज 5 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान से देखिए, द अमाउंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज चेंजिंग इट इज वेरिंग कंटिन्यूअसली एंड इन दिस केस इफ द अमाउंट दैट इज चेंजिंग इट वेरीज देन द बॉडी इज सेट टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर इक्वल अमाउंट्स में चेंज हो रहा होता देन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, बट अनइक्वल अमाउंट्स में चेंज हो रहा है दैट मीन्स द एक्सेलरेशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। नाउ रिमेंबर वन थिंग, वन पॉइंट टू बी नोटेड, क्या हो जाएगा, इफ देर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन इज जीरो। क्लियर, अगर बॉडी की स्पीड में दैट सॉरी इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज, अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज ही ना हो, एक ही वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली बॉडी मूव करती जाए, देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, इट विल बी जीरो। बाय बिकॉज अगर वापस अगर हम लोग बेसिक डेफिनेशन पर जाए एक्सेलरेशन की, सो व्हाट वाज इट, इट वाज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देयर शुड बी अ चेंज एंड व्हेन देयर इज नो चेंज दैट मींस द चेंज बिकम्स जीरो एंड जीरो अपॉन टाइम इट विल सिंपली बिकम जीरो, देयरफॉर द एक्सेलरेशन बिकम्स zero. Clear? So this is it for today. We shall discuss further topics in the next class. Okay? Thank you, class.